Press the subscribe button and click on the bell icon to receive all the latest updates. Hello friends and fellow photographers, I am Kunal and I am back again with another interesting video. And in this video, we will talk about three main metering modes. First, evaluative or matrix mode. Canon is evaluative, in Nikon is matrix. Second is center weighted and third is spot metering. तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, ये शॉर्ट वीडियो होगी थोड़ी सी, बट आई शो यू प्रैक्टिकली कि जब आप तीनों मीटरिंग मोड्स यूज़ करते हो तो आपको क्या इफेक्ट और क्या डिफरेंस मिलता है। तो बिना किसी वेट के स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मेरे पीछे लाइक एक मॉन्यूमेंट है, अगर आपको अब पूरा दिख रहा होगा। सो अगर मैं अभी शूट करूँगा, ट्राई टू शूट दिस इसको पूरा एंड स्काई के साथ, एंड हम तीनों मीटरिंग मोड्स यूज़ करेंगे, और मैं साथ साथ आपको वॉइस ओवर में बताता रहूँगा कि कैसे कौन सा मीटरिंग मोड यहाँ पे आइडियल रहेगा और बाकी मोड से क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो अब आप जो ये फर्स्ट इमेज स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको शायद थोड़ी सी ओवर एक्सपोज या थोड़ी ज़्यादा ही ओवर एक्सपोज लग रही होगी। अभी जो सेकेंड इमेज है ये आपको हल्की सी ओवर एक्सपोज लग रही होगी, और अब ये जो थर्ड इमेज है ये आपको कहीं ना कहीं एकदम करेक्ट एक्सपोजर लग रहा होगा। अब मैं इन तीनों इमेजेस को साथ में प्लेस करके दिखाता हूँ आपको। अब ऐसा क्यों हुआ कि एक इमेज जो है वो काफ़ी ओवर एक्सपोज है, दूसरी थोड़ी सी ओवर एक्सपोज है, और जो थर्ड है वो ऑलमोस्ट करेक्ट एक्सपोजर है। ये तीनों अलग अलग मीटरिंग मोड पे ली गई हैं, जो कि है इवेल्यूएटिव, सेंटर वेटेड और स्पॉट मीटरिंग। तो अभी मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, अगर आप गेस कर सकते हो कौन सी फोटो किस मीटरिंग से क्लिक की है। तो अब आप जैसे यहाँ पे देखोगे कि जो पहली इमेज है वो हमने इवेल्यूएटिव पे क्लिक करी, इसलिए हमें कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सही एक्सपोजर मिला। सेकेंड इमेज जो हमने क्लिक करी वो हमने की थी सेंटर वेटेड में, जहाँ पे कैनन में या निकॉन कोई भी हो वो सेंटर से 20-25% ऑफ एरिया जो आपके फ्रेम का है वहाँ से मीटरिंग लेता है, और उस हिसाब से इसने इमेज जो है वो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज कर दी, बिकॉज जो हमारा मॉन्यूमेंट था वो उसके हिसाब से एक्सपोजर ले रहा था, ना कि स्काई के हिसाब से। अब जो थर्ड इमेज है जो कि हमें थोड़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज लग रही है, उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ स्पॉट मीटरिंग यूज़ किया। अब वो जो स्पॉट था वो मॉन्यूमेंट के कहीं ना कहीं एकदम सेंटर में है, और वो एरिया काफ़ी डार्क है। अब डार्क को उसने ब्राइट करने के लिए जो मीटरिंग ली वो उस हिसाब से ली, एंड यहाँ पर इमेज काफ़ी ओवर एक्सपोज आया। अगर आपको एग्जैक्ट रीज़न जानना है कि क्यों कैमरा जो ब्लैक्स को है वो थोड़ा ब्राइट करता है और वाइट्स को थोड़ा डार्क करता है, उसके लिए आपको ऊपर आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इवेल्यूएटिव, सेंटर वेटेड और स्पॉट मीटरिंग का एग्जैक्ट फंक्शन कैसे होता है। अब अगर हम नेक्स्ट इमेज की तरफ चलें, यहाँ पे भी आप वही चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि एक इमेज काफ़ी ओवर एक्सपोज है, दूसरी थोड़ी सी ओवर एक्सपोज है, और तीसरी ऑलमोस्ट करेक्ट एक्सपोज है। अब इसकी मैं आपको मीटरिंग दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो करेक्ट एक्सपोज फोटो है वो इवेल्यूएटिव मीटरिंग पे था, जो थोड़ा सा हमें ओवर एक्सपोज लग रहा है वो सेंटर वेटेड मीटरिंग पे था, और जो हमें काफ़ी ओवर एक्सपोज लग रहा है वो स्पॉट मीटरिंग पे था। अब इस वीडियो के इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये जो प्लांट है, फ्लावर है, इसको अगर मैं शूट करना चाहता हूँ तो जो मैं तीनों मीटरिंग मोड यूज़ करूँगा उसमें क्या डिफरेंस पड़ेगा, तो अब वो देखते हैं। अब अगर हम फ्लावर्स की इमेजेस की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको तीनों इमेजेस साथ में दिखाता हूँ और उसकी मीटरिंग, ताकि आपको बेटर आइडिया लग सके कि जब हमने यहाँ पे स्पॉट मीटरिंग लिया तो हमें यहाँ पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट था वो था ये वाइट फ्लावर, उसके हिसाब से हमें मीटरिंग चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे उस साइज़ के हिसाब से स्पॉट मीटरिंग लिया। एंड आप देखेंगे वहाँ पे आपको सबसे करेक्ट एक्सपोजर दिख रहा होगा, और फ्लावर्स में भी कंट्रास्ट और उसकी ब्राइटनेस काफ़ी एक्यूरेटली और अच्छे से दिख रही होगी। वही जब हमने सेंटर वेटेड लिया तो वहाँ पर वाइट्स और ब्लैक्स मिक्स हो गए, इस वजह से कहीं ना कहीं जो फोटो है वो काफ़ी ओवर एक्सपोज हो गई। इवेल्यूएटिव में इमेज बैलेंस्ड है, बट अगर आप कंपेयर करो तो आपको स्पॉट मीटरिंग वाली ज़्यादा बेटर और अच्छे से एक्सपोज इमेज लगेगी। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं ये जो फिल्म कैमरा है यहाँ पे रख के एक इमेज ले रहा हूँ, तो जो आप सबसे पहली इमेज देख रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी डार्क लग रही होगी। अब मैं सेकेंड इमेज आपको दिखाऊँ तो ये आपको जो इमेज है ये एकदम सही तो नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ओवर एक्सपोज लगेगी। और ये जो थर्ड इमेज है ये तो आपको काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ओवर एक्सपोज और ब्लोन आउट आया है। उसका रीज़न ये है, जब आप स्पॉट मीटरिंग यूज़ करेंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है वो डार्क है, इस वजह से वो उसके हिसाब से एक्सपोज करते हुए सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से एक्सपोज करेगा, बट बैकग्राउंड में जो ब्राइटनेस थी वो और ज़्यादा ब्राइट हो गई है। बट जो सेंटर कैमरा का जो 20-25% एरिया था वो ब्लैक्स में ज़्यादा था, इस वजह से हल्का ओवर एक्सपोज आया है। और जो थर्ड इमेज है वहाँ पर इवेल्यूएटिव लिया गया है, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डार्क अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर कंक्लूजन यही है, अगर आपका सब्जेक्ट
इवनली लिट है, लेट सपोज एक मॉन्यूमेंट और एक स्काई है आपके फ्रेम में, तो आप प्रेफर करिए आप इवेल्यूएटिव या मैट्रिक्स मोड पे क्लिक करिए। वही अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो फ्रेम में कहीं ना कहीं 20 या मैक्सिमम 50% एरिया ले रहा है और वही आपका मेन सब्जेक्ट है तो आपको सेंटर वेटेड लेना चाहिए। बट अगर आपका सब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ फ्लावर शूट किया, बहुत छोटा था फ्रेम में, इस वजह से हमने स्पॉट मीटरिंग लिया एंड वहाँ पे हमें एकदम करेक्ट एक्सपोजर मिल गया। तो फ्रेंड्स ये था एक शॉर्ट सा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको इस तरह के और प्रैक्टिकल वीडियोज़ देखने अच्छा लगेंगे। आई थिंक ऑब्वियसली अच्छी लगेंगी। तो हम मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।